जनाबे मोहतरम सूफी मोहम्मद रहमतुल्लाह चिश्ती साहब, आप मेरे बारे में कुछ इजहार ख्याल फरमा रहे सन और मैनू इंतहाई नदामत हो रही सी। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इन्हां दे अल्फाज इन्हां दा बयान मुझ नाचीज वास्ते एक दुआ बना दे और जो कुछ इन्होंने फरमाया है अल्लाह पाक वैसा बना दे। ग्रामी 10 बजे तक प्रोग्राम जारी रहेगा इंशाल्लाह अजीज। इरादा तो यह कि लंबी गुफ्तगू होगी और मैं जुमला चिश्ती साहब को फरमाया भी कि कम से कम 1.5 घंटा गुफ्तगू वास्ते मिलना चाहिए ताकि मैं भी पता लगे कि मैं कुछ दस के आया तो सुनने वाले भी पता लगे अस कुछ सुन के आए। लेकिन हमेशा ही किल्लत वक्त वो हाइल है। बहरहाल मैं बिना तमहीद अपनी गुफ्तगू शुरू करना। मेरी जुमला चिश्ती साहब ने ड्यूटी लगाई सी कि अदब के उत्ते गुफ्तगू कर कादे उत्ते कुछ ही बोलो अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब के कितनी बड़ी दौलत है और जिस उम्मती नू अपने नबी दा अदब करना आ गया ओ कायनात की सारियां दौलत ही पा गया। और जिस उम्मती नू अपने नबी दा अदब करना ना आया उन्हें नमाज पढ़ के भी कुछ नहीं खटिया, उन्हें रोजा रख के भी कुछ नहीं खटिया, उन्हें हज करके भी कुछ नहीं खटिया, उन्हें ज़कातां ते अनफाक फी सबीलिल्लाह कर करके तबलीगा कर करके पेंडे कर करके कुछ नहीं खटिया। क्यों? के अदबे मुस्तफा और मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जान है ईमान की और नमाज रोजा हज ज़कात माज तबलीग जिहाद एक जिस्म ने ईमान ईमान दे आज़ान है एक ईमान दे जिस्म दे आज़ान है। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनो आमाल जिन्हें भी असं करने ना नमाज रोजा हज ज़कात जिक्र अज़कार नफ़ले जिक्र तबलीग जिहाद अनफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह ज़कात उमरे एक ईमान दे जिस्म दे आज़ान है। ईमान एक जिस्म है ये तमाम ईमान दे जिस्म दे आज़ान है जिस तरह अखा कन जुबान होंठ पैर हाथ बाजू ये तुहाडे जिस्म दे आज़ान है। इस तरह नमाज रोजा हज ज़कात ज़िक्र अज़कार वाज तकबीर दरस तकरीर तिलावत ए ईमान के जिस्म दे आज़ान है। जिस तरह साडे सारे आज़ाद सलामत रहन ते विच रूह मौजूद ना होवे जिस्म दे ते सब कुछ बेकार है। इस तरह सारे आज़ाद मुसलमान करदा रहे मगर ईमान दी जिहड़ी रूह है ओ मुहब्बत ए मुस्तफा है। अगर वो ईमान के जिस्म में मौजूद नहीं तो सारे अमाल बेकार सारे अमाल बेकार। जो बंदा फौत हो जाए अखा उन्हें नाल ही मिलने कि नहीं हाथ नाल ही मिलने कि नहीं ओदे ओदा ओदे कान नाल मिलने कि नहीं जिस्म के सारे अज़ाब भी मौजूद होंगे लेकिन उन्हें कोई कोल रखना दोबारा उन्हें कोई कोल रखना गुआरा जेड़ी मां कहती सी ए मेरा पुत्र मेरे दिल की ठंडक है मेरी अखा का चैन है मेरे दिल का सुरूर है वो मां भी कहती है जल्दी करो ले जाओ जेड़ा भाई कहता सी ए मेरी ताकत है
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ, ਤਮਾਮ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੱਕਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਰੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਗੈਰ ਰੂਹ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਏ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੱਕਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਰੋਜ਼ੇ, ਅਮਾਲ ਤੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੱਕਣਿਆ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਰੂਹ ਦੇ ਜਿਸਮ ਕਬਰ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਜਹੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ।